Hello, good afternoon, school leaders. So I'm sure that by now you all have got your historical performance based on the theory marks from CBSE. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने आगे मॉडरेशन कैसे करना है, बिकॉज मैनी ऑफ यू हैव पुट अप द रिक्वेस्ट फॉर दैट. सो अभी तक आपने ये स्टेप कर लिया होगा. आई होप कि आपने अपने बच्चों के एक्चुअल मार्क्स निकाल लिए होंगे 2020-21 के. दैट इज 10 मार्क्स आपके पीरियोडिक असेसमेंट के, 30 मार्क्स आपके मिड टर्म असेसमेंट के एंड 40 मार्क्स आपके प्री बोर्ड्स के. तो आपके पास टोटल एक्चुअल परफॉर्मेंस अपने बच्चों का आ गया होगा 80 मार्क्स का. अब आपने ये मेरा वही है, ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है जो मैंने एक इमेजिनरी एक्चुअल परफॉर्मेंस बनाया है 15 बच्चों का, जिसमें आप देखें एवरेज मार्क टोटल आ रहा है 55.9. अब मैंने क्या करना है, इनको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया. आप देखिए जो मेरे बच्चे का 27, 29, 34, 37, ये सबको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के बाद मैंने जो सीबीएसई ने हमें रेंज भेजा है 0 to 26 वाले, 27 to 40 वाले, इन बच्चों को मैंने उस रेंज में डिवाइड कर दिया. अब आप देखेंगे मेरे जो 4 स्टूडेंट्स हैं वो 27 से 30 मार्क्स की रेंज में आ रहे हैं, और मेरे 2 बच्चे हैं वो 41 से 49 की रेंज में, देन मेरा एक स्टूडेंट है जो 59 वाली रेंज में आ रहा है. अब ये करने के बाद मैंने इनको स्टूडेंट्स को डिफरेंट रेंजेस को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया. तो मैंने देखा कि मेरे 26.7% स्टूडेंट्स जो हैं वो 27 मार्क्स टू 40 मार्क्स की रेंज में आ रहे हैं. मैं उसको लिख लूंगी 26.7% स्टूडेंट्स. अब मेरे 13.3% स्टूडेंट्स जो हैं वो 40 टू 50 मार्क्स की रेंज में आ रहे हैं. सिमिलरली 50 टू 60 मार्क्स की रेंज में मेरे 6.7% स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मैंने लिख लिया. 60 टू 70 मार्क्स की रेंज में मेरे 26.7% स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एंड 70 टू 80 मार्क्स की रेंज में मेरे 26.7% स्टूडेंट्स आ रहे हैं. ये मेरा एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है जो मेरा 2020-21 का है. अब मैं इसको कंपेयर करूंगी अपने हिस्टोरिकल डेटा से जो मुझे सीबीएसई ने दिया है. सीबीएसई ने बोला कि मेरे 27 टू 40 मार्क्स की रेंज में 14% स्टूडेंट्स होने चाहिए. तो मुझे क्या करना है, अब ये यहाँ मेरा तो एक्चुअल 26.7 आ रहा है, तो मुझे जो है यहाँ से 13% स्टूडेंट्स को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, 40 टू 50 वाली रेंज में करना पड़ेगा. अब यहाँ पर सीबीएसई ने बोला 25% स्टूडेंट्स होने चाहिए, तो ये 13% शिफ्ट करने के बाद अगर 25% से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उनको फिर मैं अगले स्लॉट में शिफ्ट कर दूँगी. सो यहाँ पर सीबीएसई ने बोला कि 10% स्टूडेंट्स रहने चाहिए, लेकिन मेरे पास सिर्फ यहाँ पर जो है 6.7% स्टूडेंट्स है, कुछ यहाँ से शिफ्ट होके आएंगे. तो अगर मेरा 10% रहता है टोटल स्ट्रेंथ इन दिस रेंज, इट इज़ परफेक्ट. If it is not fitting in, then I will further move it up. So basically, जो CBSE ने हमें historical data दिया है, that is basically a cap. आप के ऊपर एक capping लगा दी गई है, आप उससे beyond ऊपर या नीचे की direction में नहीं move कर सकते. आपको अपने students different ranges में in a systematic manner, one step at a time में move करना होगा, so that finally all your students fall in the range that has been given by the CBSE. I hope you have understood now the meaning of moderation and how to go about it. Thank you so much. If there are still any doubts, I would request you to please put the comments in the comment section. And also if you have other solutions and better options, please share it in the comment section for the benefit of the entire school community. Thank you.